हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त देसी न्यूज़ के उत्तराखंड यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज का हमारा विषय ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे के जरिए भस्में जात बनाई जाती हैं। तो इस पौधे की जानकारी दोस्तों आज दी जा रही है। तो जिन दोस्तों ने या जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास में प्रत्येक वीडियो समय पर पहुंच सके और फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये मिर्चिया बूटी का पौधा है। ये इसमें इसके जो पत्ते आते हैं, देखने में बिल्कुल जैसे हरी मिर्च होती है उसी की तरह देखने में लगते हैं। और इसको पत्ते को आप तोड़ेंगे तो इसमें से एक चिपचिपा सा दूध निकलता है, वाइट रंग का, हल्का सा वैसा होता, पानी जैसा होता, लेकिन आप उसको मसलेंगे तो उसमें से झाग निकलेंगे। ये इस पौधे की पहचान है। और इस पौधे में मंजीरी निकलती है, जैसे तुलसी के पेड़ में मंजीरी निकलती है, इसी प्रकार इसके पेड़ में भी मंजीरी आती है। ये पौधा नदी नालों के किनारे अधिकतर पाया जाता है। ये इस टाइम बरसात के टाइम है, तो इस समय यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ था, तो आपके समक्ष मैंने वीडियो प्रस्तुत किया। तो आप इस पौधे की पहचान कर लीजिए और आप इसका प्रयोग भस्में बनाने में कर सकते हैं। भस्में इसके द्वारा आप स्वर्ण भस्म का निर्माण कर सकते हैं, कुस्ता कली का निर्माण कर सकते हैं, चांदी भस्म का निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ तक आप सिंगरा भस्म का भी इसका निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको जिसकी भस्म बनानी है, उसी हिसाब से इसका लुगदा बनाकर तैयार करके लुगदे में रख के, या इसका रस निकाल के खरल करके और भस्में बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। आप इस पौधे की पहचान कर लीजिए और आप इस पौधे के द्वारा, मिर्चिया बूटी के द्वारा, आप भस्मों का निर्माण कर सकते हैं, भस्में बना सकते हैं और अपने दवाई नुस्खों में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पौधे को देखें और पहचान करें। और दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी आपके समक्ष लगी मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।